नमस्कार दोस्तों, मैं निगुरु अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आया गया है 100 करंट अफेयर्स, जो कि आपके जो है जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल माह को मिला करके बनाए गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके आने वाले एग्जाम में, जरूरी आपके लिए अच्छे से दोगे। तो चलिए दोस्तों शुरू कर देते हैं। देखिये, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल में ही आसिफ सईद खोसा को किस देश के मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। तो दोस्तों, जैसा कि 3 सेकंड का आपको समय दिया जाता है, 3 सेकंड के समय के बाद इसके आंसर को मैं आपके सामने शो कर दूंगा। एकदम रैपिड फायर के तौर पे ये चलेगा, जल्दी जल्दी इसके आपको आंसर को देना होगा। तो चलिए दोस्तों आंसर आपको देख लीजिए। तो जो आपके आसिफ सईद खोसा जी हैं, ये पाकिस्तान के जो है मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि किस राज्य में असुरगढ़ किले की खुदाई के दौरान पुरातत्व विभाग को 2300 वर्ष पुरानी कलाकृति प्राप्त हुई है। तो चलिए दोस्तों आंसर देखते हैं इसका। तो आंसर आपके लिए है उड़ीसा। उड़ीसा में ये चीज है, असुरगढ़ किला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत प्रतिवर्ष किसान को कितने रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। तो आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, 6000 रुपए की सहायता राशि। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि हाल में ही किसे पद्मश्री पुरस्कार लौटा दिया है। इसमें से कौन है जिसने हाल में ही पद्मश्री पुरस्कार को लौटाया है। तो चलिए दोस्तों आंसर की बात कर लेते हैं। इनका नाम है अरिबम श्याम शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रणजी ट्रॉफी 2018-19 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो रणजी ट्रॉफी का जो खिताब है वो आपकी विदर्भ टीम ने जीता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ग्रैमी अवार्ड 2019 में एल्बम ऑफ द ईयर किसे चुना गया। तो दोस्तों एल्बम ऑफ द ईयर गोल्डन आवर को चुना गया है। दोस्तों यहां से मैं आपसे केवल एक रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बाफ्टा पुरस्कार 2019 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे चुनी गई है। तो बाफ्टा पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म आपकी रोमा को चुना गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल में ही उज्ज्वला सैनिटरी नैपकिन पहल की शुरुआत किस राज्य से हुई है। तो दोस्तों ये जो है आपके उड़ीसा राज्य में इसकी जो है शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल में ही हिंदू धार्मिक स्थल पंज तीर्थ को राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा दिया गया, यह किस देश में स्थित है। ये जो पंज तीर्थ है ये किस देश में है। तो चलिए दोस्तों आंसर देखिए, आंसर आया आपका पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हाल में ही कौन सा देश आईसीसी का सबसे नया सदस्य बन गया है। तो आंसर देखते हैं दोस्तों, तो अमेरिका आईसीसी का सबसे नया सदस्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि फिलिप कोटलर पुरस्कार प्राप्त करने वाला विश्व का प्रथम नेता निम्न में से कौन है। चलिए दोस्तों आंसर की बात करते हैं, तो फिलिप कोटलर पुरस्कार नरेंद्र मोदी जी को हाल में ही प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल में हुई विमान दुर्घटना को देखते हुए कई देशों ने किस विमान के परिचालन पर रोक लगा दी है। तो आंसर कौन सा है दोस्तों, आंसर है आपका बोइंग 737 मैक्स। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल में ही किस हिंदू महिला ने अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की घोषणा की है। तो उनका नाम क्या है दोस्तों, उनका नाम है तुलसी गेबार्ड। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वर्ष 2019 में सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया। वर्ष 2019 का सरस्वती सम्मान सितांशु यशस चंद्र को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाल में ही किस देश ने चांद पर कपास उगाने में सफलता हासिल की है। तो चलिए दोस्तों देखिए वो देश कौन सा है, वो देश है आपका चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक परिवार एक नौकरी योजना की शुरुआत भारत के किस राज्य ने की है। तो आंसर देखिए दोस्तों, आंसर है आपका सिक्किम राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि हाल में ही किस देश ने दुनिया के सबसे छोटे सैटेलाइट को लॉन्च किया है। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, भारत ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय गणतंत्र दिवस पर निम्न में से कौन मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। तो मुख्य अतिथि के रूप में कौन आया था, साइरिल रामाफोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाल में ही येलो वेस्ट आंदोलन किस देश में हुआ। तो दोस्तों येलो वेस्ट आंदोलन आपका फ्रांस में हुआ है। नेक्स्ट है कि खेलो इंडिया यूथ गेम के दूसरे चरण का आयोजन कहां पर किया गया। तो आंसर देखिए दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम के दूसरे चरण का आयोजन आपके पुणे शहर में हुआ। नेक्स्ट है कि हाल में ही कहां पर राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक खोला गया है। तो राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक आपका डांडी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज निम्न में से कौन हुई है। तो पहली हिंदू महिला जज है, यह इनका नाम है सुमन कुमारी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि हाल में ही उत्तर प्रदेश में दुनिया के सबसे बड़े एक्सप्रेस वे को बनाने की मंजूरी दी गई है, इसका क्या नाम है। तो जो एक्सप्रेस वे है इसका नाम है गंगा एक्सप्रेस वे। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि आजादी के दीवाने नाम से संग्रहालय किस शहर में शुरू किया गया है। तो दोस्तों ये संग्रहालय जो है ये नई दिल्ली में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस भारतीय सैनिक को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया? चलिए दोस्तों आंसर देखिए, नजीर अहमद वानी को जो है अशोक चक्र दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि भारत की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो चलिए दोस्तों आंसर देख लीजिए, इसको वंदे भारत एक्सप्रेस नाम किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल में ही आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर 2018 का खिताब किसे दिया गया? तो दोस्तों ये जो खिताब है ये आपके विराट कोहली जी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल में ही वी आर डिस्प्लेस्ड माई जर्नी एंड स्टोरीज फ्रॉम रिफ्यूजी गर्ल अराउंड द वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों ये जो पुस्तक है ये मलाला यूसुफ़ज़ई ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि हाल में ही गांधी शांति पुरस्कार 2018 से किसे सम्मानित किया गया? चलिए दोस्तों आंसर देखिए क्या हो जाएगा, योहेई सासाकावा, इनको गांधी शांति पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया। दोस्तों सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरी वीडियो को देखिएगा, पसंद आने पर लाइक भी करिएगा। और आपके लिए दोस्तों UP SSSC से मंडी परिसर से संबंधित हिंदी की, जीके की और रीजनिंग की वीडियो मेरे चैनल पर डाली जा रही है, उनसे 15 दिन में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि सेना दिवस के अवसर पर परेड में सेना का नेतृत्व करने वाली भारत की पहली महिला अफसर कौन बनी है? तो दोस्तों आंसर देखिए, आंसर आपका है भावना कस्तूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर देखिए दोस्तों, विश्व हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी को होता है। ध्यान दीजिएगा, विश्व हिंदी दिवस की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2019 का विजेता निम्न में से कौन है? तो इसका विजेता दोस्तों कर्नाटक की टीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगामी होने वाली जनगणना किस वर्ष में होगी? तो आंसर देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, 2021 में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि 64वें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो आंसर देखिए दोस्तों, आंसर क्या हो जाएगा, राजी को जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाल में ही दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का निर्माण करने की घोषणा किस देश ने की है? तो आंसर देखिए दोस्तों, आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका ने ये काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 में किस शहर को देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? तो सबसे स्वच्छ शहर इस समय कौन सा है दोस्तों, इंदौर। नेक्स्ट है कि वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में किस स्थान पर आती है? तो किस स्थान की अर्थव्यवस्था इस समय बन गई है दोस्तों, ये 6वें स्थान पर इस समय है। नेक्स्ट है कि साल 2019 के बजट सत्र में आय कर की सीमा को बढ़ाकर कितने लाख कर दिया गया है? तो दोस्तों जो आयकर की सीमा है इसको बढ़ा करके 5 लाख कर दिया गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि हाल में ही पहले फुटबॉल रत्न से किसे नवाजा गया है? तो फुटबॉल रत्न पाने वाले जो है सुनील छेत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि हाल में ही देश के किस राज्य ने रोबोटिक कॉप का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों ये रोबोटिक कॉप कहाँ पे शामिल किया गया है, केरल में। नेक्स्ट है आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस आपका 21 फरवरी को होता है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की शुरुआत किस शहर से हुई है? तो दोस्तों इस सम्मान की शुरुआत आपके गोरखपुर से की गई। नेक्स्ट है कि ऑस्कर अवार्ड 2019 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? तो किस फिल्म को मिला है दोस्तों, ग्रीन बुक को मिला है। दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये पसंद जरूर आ रहा होगा और अब तक आपने वीडियो को लाइक कर दिया गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल में ही किस व्यक्ति को सियोल शांति पुरस्कार मिला है? तो आंसर देखिए दोस्तों, आंसर है आपका नरेंद्र मोदी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल में ही पहला टैगोर पुरस्कार किसे दिया गया? तो दोस्तों पहला टैगोर पुरस्कार ये आपके पंडित रविशंकर जी को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि हाल में ही किस देश ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो दोस्तों हाल में ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा आपके अमेरिका ने की है। नेक्स्ट आपके सामने है कि हाल में ही भारत ने किस देश से MFN का दर्जा वापस ले लिया है? तो दोस्तों ये दर्जा आपका पाकिस्तान से वापस लिया गया है। नेक्स्ट है कि हाल में ही भारत ने के किस राज्य को 24 घंटे दुकानों को खुला रखने की अनुमति दे दी गई है? तो ऐसा कहां पे किया गया है दोस्तों, गुजरात में। गुजरात में 24 घंटे ही दुकानें खुले रहने की अनुमति मिल चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल में ही भारत ने चिनूक हेलीकॉप्टर किस देश से खरीदा है? तो चलिए दोस्तों आंसर देखते हैं, यहां पर चिनूक हेलीकॉप्टर आपके अमेरिका से खरीदा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो
तो बौद्धिक संपदा सूचकांक की बात की जाए तो भारत को इसमें 36वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है कि हाल में ही 200 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली प्रथम महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो आंसर देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिताली राज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि कुंभ 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों कुंभ 2019 का आयोजन आपके प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल में ही भारत देश के पहले लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पहले नियुक्ति किसकी हुई है दोस्तों, पिनाकी चंद्र घोष की। नेक्स्ट है कि एंटी सैटेलाइट वेपन मिसाइल का सफल परीक्षण करने वाला भारत दुनिया का किस नंबर का देश बन गया है? तो दोस्तों आंसर देखिए, आंसर हो जाएगा ये भारत का चौथा देश बन चुका है। नेक्स्ट है कि भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त निम्न में से किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है दोस्तों सुधीर भार्गव जी को। नेक्स्ट है कि जनवरी माह में किस देश ने यूनेस्को की सदस्यता छोड़ दी है? तो आंसर देखिए दोस्तों, यूनेस्को की सदस्यता किसने छोड़ी है, इसराइल और अमेरिका दोनों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि प्रधानमंत्री ने निम्न में से किसे राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार पाने वाले हैं वहेंग बाम लमन गांबा सिंह। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि 2020 ओलंपिक के लिए भारतीय दल का सेफ डे मिशन किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय दल का सेफ डे मिशन किसे नियुक्त किया गया है, वीरेंद्र प्रसाद वैश्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि सबसे पहले सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो देश का पहला राज्य है दोस्तों गुजरात। आगे चलते हैं नेक्स्ट है कि 15वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया? तो जो 15वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन है ये आपके वाराणसी में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनेस्को ने 2020 के लिए किस शहर को विश्व की राजधानी घोषित किया है? तो दोस्तों विश्व की राजधानी जिसको घोषित किया गया है उसका नाम है रियो डी जेनेरियो। नेक्स्ट है कि हाल में ही आईसीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो आईसीसी के मुख्य कार्यकारी के रूप में इस समय मनु साहनी जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि झूठी अफवाह को रोकने के लिए व्हाट्सएप ने कौन सा फीचर शुरू किया है? तो झूठी अफवाह को रोकने के लिए कौन सा फीचर, टिप लाइन फीचर शुरू किया गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिकी कुश्ती संस्था द्वारा बुलाए जाने वाले पहले भारतीय पहलवान जो नाइट फाइट में खेलेंगे उनका क्या नाम है? तो आंसर क्या है दोस्तों, बजरंग पुनिया। वो बजरंग पुनिया है जो पहले भारतीय पहलवान बने हैं नाइट फाइट में खेलने वाले। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल में ही इसरो ने किस खुफिया उपग्रह को लॉन्च किया? तो इसरो ने जिस खुफिया ग्रह को लॉन्च किया है उसका नाम है इमीसैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुल्तान अजलान शाह कप 2019 हाल में ही दक्षिण कोरिया ने किसे हरा करके जीता है? तो दोस्तों किसे हराया है उसको, भारत ने हराया है। भारत को हरा करके दक्षिण कोरिया ने हरा करके जीत लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल में ही कंधमाल हल्दी को जीआई टैग दिया गया, यह हल्दी किस राज्य की है? तो दोस्तों ये जो हल्दी है ये आपके उड़ीसा राज्य में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क कहाँ खोला गया है? तो भारत का जो पहला विदेशी पक्षी पार्क है ये आपके मुंबई में खोला गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल में ही भारत के किस 100 युद्धपोत वितरित करने वाला पहला शिपयार्ड बन गया है? कौन सा शिपयार्ड है जिसने हाल में ही 100 युद्धपोत का वितरण कर दिया है? तो आंसर देखिए दोस्तों वो कौन है, वो है जीआरएसई लिमिटेड। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल में ही किस देश ने अपना दुनिया का पहला 5G नेटवर्क लॉन्च किया है? तो दुनिया का पहला 5G नेटवर्क दक्षिण कोरिया के पास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि भारतीय सेना ने लेह लद्दाख में सिंधु नदी पर सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज बनाया, इसका क्या नाम रखा गया है? तो जो दोस्तों ये सबसे लंबा जो है सस्पेंशन ब्रिज है इसका नाम क्या है दोस्तों, इसका नाम है मैत्री ब्रिज। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि हाल में ही किस दूरसंचार सेवा प्रदाता को उड़ानों में वाईफाई देने का लाइसेंस प्राप्त हो गया है? तो उड़ान में लाइसेंस प्राप्त हुआ है किसको, BSNL को। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल में ही विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया? तो विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में डेविड मलपास को जो है अभी अभी नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल में ही भारत ने स्वदेश निर्मित किस हविजर को सेना में शामिल किया है? तो उस हविजर का क्या नाम है, उस हविजर का नाम है धनुष। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि हाल में ही कौन
भारत का पहला आईएसओ प्रमाणन वाला रेलवे स्टेशन बन गया है। तो आईएसओ प्रमाण पत्र पाने वाला जो है, जो रेलवे स्टेशन है, उसका नाम है गुवाहाटी। नेक्स्ट है कि भारत में हाल में ही भारत ने किस देश की सेना के साथ मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास किया है? तो दोस्तों मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास किसके साथ किया गया है? श्रीलंका के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नुरैनी के एशिया में 2019 का सर्वश्रेष्ठ एथलेटिक कोच नामित किया गया, ये किस देश की है? यानी जो नुरैनी है ये किस देश की है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आंसर देखिए दोस्तों, आंसर है आपका ये है इंडोनेशिया की। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल में ही खगोलविदों ने एक ब्लैक होल की फोटो ली है, इस ब्लैक होल का क्या नाम है? तो दोस्तों आंसर देखते हैं, इस ब्लैक होल का नाम है M87। नेक्स्ट है कि जामिया मिलिया इस्लामिया की पहली महिला वाइस चांसलर निम्न में से कौन बनी है? तो दोस्तों इस यूनिवर्सिटी की जो जो है चांसलर है, वाइस चांसलर, वो कौन बनी है? नजमा अख्तर। नेक्स्ट है कि हाल में ही भारत ने किस सबसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया, उसका क्या नाम है? तो सबसोनिक क्रूज मिसाइल का नाम है निर्भय। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाल में ही पहले वोटर पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हाल में ही जो पहला वोटर पार्क है, इसका उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? गुरुग्राम में हुआ है। नेक्स्ट है कि हाल में ही पहली सशस्त्र उभयचर ड्रोन बोट किस देश ने बनाई है? यानी ये उभयचर ड्रोन बोट है, एक प्रकार की बोट है, ये किसने बनाई है? तो ये है आपके चीन ने बनाई है। नेक्स्ट है कि हाल में ही किस देश ने अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया है? तो किस देश ने लॉन्च किया है, उस देश का नाम है नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2020 में G20 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों ये G20 शिखर सम्मेलन सऊदी अरब में आयोजित होगा। नेक्स्ट है कि 22 अप्रैल 2019 को पृथ्वी दिवस की थीम क्या थी? तो जो पृथ्वी दिवस की थीम थी वो थी जो है प्रोटेक्ट आवर स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल में ही दुनिया के पहले फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट का सफल परीक्षण किस देश ने किया? तो ये जो फ्लोटिंग आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये जो है आपका कहाँ है? रूस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि हाल में ही किस देश ने रामायण पर डाक टिकट जारी किया है? तो दोस्तों रामायण पर डाक टिकट जारी करने वाला देश है इंडोनेशिया। नेक्स्ट है कि हाल में ही दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन किस देश ने शुरू की है? तो पहली मलेरिया वैक्सीन शुरू करने वाला अफ्रीका देश है। नेक्स्ट है कि 2019 में टैगोर साहित्य पुरस्कार निम्न में से किसने जीता? तो टैगोर का साहित्य पुरस्कार राणा दास गुप्ता जी ने जीता। नेक्स्ट है कि हाल में ही जारी होने वाले 20 रुपए की नोट के पीछे देश की किस सांस्कृतिक विरासत की फोटो है? तो किस सांस्कृतिक विरासत की फोटो है? तो यह है आपके एलोरा की गुफाओं की। नेक्स्ट है कि हाल में ही किस देश को यूनेस्को की विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में नामित किया गया है? तो यूनेस्को की विश्व पुस्तक राजधानी कौन बनाई गई है? शारजहां। नेक्स्ट है कि हाल में ही तट रक्षक गश्ती जहाज का अनावरण किया गया, इस जहाज का क्या नाम है? तो जो गश्ती जहाज का अभी हाल में अनावरण किया गया है, इसका नाम है वीरा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल में ही भारत के किस राज्य में वेस्ट नील वायरस का पहला मामला पाया गया है? तो वेस्ट नील वायरस का पहला मामला आपके केरल राज्य में पाया गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट है कि विशेष ओलंपिक विश्व खेल का आयोजन किस देश में हुआ है? तो विशेष ओलंपिक जो विश्व खेल इस समय हुआ है, इसका आयोजन आपके आबू धाबी में किया गया। नेक्स्ट पे चलते हैं कि हाल में ही गोवा के नए मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? तो गोवा के जो नए मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम है प्रमोद सावंत। नेक्स्ट है कि विश्व जल दिवस का विषय क्या था? तो दोस्तों विश्व जल दिवस का जो है, जो विषय था या थीम थी, उसको कहेंगे हम लोग लिविंग नो वन बिहाइंड। नेक्स्ट है कि हाल में ही भारत के किस राज्य की सरकार ने शराब पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो हाल में ही किस राज्य ने लगाया है? हाल में ही लगाया है मिजोरम राज्य ने। आगे चलते हैं नेक्स्ट है कि नए भारतीय नौसेना प्रमुख किसे बनाया जाएगा? तो दोस्तों नए भारतीय नौसेना प्रमुख किसे बनाया जाएगा? करमबीर सिंह जी को बनाया जाएगा। तो दोस्तों ये था मेरा जो है 6वां और अंतिम क्वेश्चन। मैं समझता हूँ सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपको ये वीडियो सीरीज पसंद भी आई होगी और अब तक आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ पे अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि इस प्रकार की कोई भी वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।